नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने कई सारे स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखे होंगे जो सड़कों पर तरह तरह के करतब दिखाते हैं, लेकिन कई लोग इन लोगों के परफॉर्मेंस को देख करके सोचते हैं कि ये भिखारी की तरह होते हैं और उन्हें ये सब छोड़ करके और कोई काम करना चाहिए। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रीट परफॉर्मेंस के बारे में क्या राय है, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे भी कलाकार होते हैं जिन्हें किसी मंच की ज़रूरत नहीं होती है। इन लोगों को जहाँ भी मौका मिलता है वे अपनी कला दिखाने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्ट्रीट परफॉर्मर्स से मिलवाएंगे जिनकी कला देख करके आप चौंक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। नंबर एक है रशियन मैन। दोस्तों, कई स्ट्रीट परफॉर्मर को लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है और कुछ को केवल बॉडी पेंट, जिससे कि लोगों को ये पता ना लग सके कि असली स्टैचू है या नकली। लेकिन कोई ऐसा परफॉर्मर हो जिसे कोई पेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, इंटरनेट की दुनिया में इसे कहते हैं रशियन मैन। ये रशियन मैन लाइव ह्यूमन स्टैचू पोर्ट्रेट द्वारा स्ट्रीट परफॉर्मेंस देते हैं। इनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती है कि लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। इनकी स्ट्रीट परफॉर्मेंस सच में अनोखी और काबिल तारीफ होती है, क्योंकि जब कोई स्ट्रीट परफॉर्मर अपनी बॉडी में पेंट लगाता है तो उन्हें रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन इनका ये यूनिक आइडिया इन्हें बहुत कम समय में क्रिएटिव और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना देता है। और जब भी ये लोग स्टैचू की तरह खड़े होते हैं तो आते जाते लोग इन्हें बार बार देखते हैं और जिसे ये अच्छे परफॉर्मर की निशानी मानते हैं। नंबर दो है अलादीन। दोस्तों, आप सभी ने बचपन में अलादीन की कहानी तो बहुत सुनी होगी कि जब वो चिराग रगड़ता है तो उसमें से जिन निकलता है और वह उससे तीन विश मांगने को कहता है, जिनके कैरेक्टर को आप सभी ने बेहद ही पसंद किया। यही सीन को सोच करके दो भाइयों ने एक उड़ता हुआ जिन बनाने की सोची, फिर उन्होंने सड़कों पर परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। किसी के समझ में नहीं आता कि कैसे ये जिन चिराग से बाहर निकल रहा है। हालांकि इनकी ये कला लोगों को बहुत पसंद आई और इंटरनेट पर भी बहुत ही वायरल हुई, जिससे इटालियन आर्ट ऑफ फेस्टिवल में इन्हें बुलाया गया। इसके बाद इन्होंने अलग अलग देशों में जाकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। इनकी परफॉर्मेंस की खास बात यह है कि इनके करेक्टर जिसमें जिन चिराग से निकलता दिखाई देता है और ऑडिशन को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है, जिसके कारण लोग इन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नंबर तीन है फुटबॉल स्टंट। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर हैं जो खेलने के साथ साथ बहुत फुटबॉल स्टंट दिखाते हैं, लेकिन लिया और टेरॉल का ये स्टाइल बहुत ही अजीब है। शुरुआत में ये गांव की छोटी सी टीम के एक गोलकीपर थे, लेकिन उनका ये हुनर एक गोलकीपर से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड था। ये 2011 में जब पेरिस गए तो वहाँ लोकल टीम के साथ फुटबॉल खेलने लगे और इन्होंने गॉट टैलेंट शो में भी हिस्सा लिया। फिर उसके बाद उन्होंने फुटबॉल छोड़ करके मास्टर स्ट्रीट परफॉर्मर बन गए। लोग इनके फुटबॉल स्टंट को देख करके हैरान हो जाते हैं। पेरिस के लोग इन्हें स्ट्रीट आर्टिस्ट ही समझते हैं। शायद इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि इन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस केवल अपने शौक के लिए करते हैं और लोगों के मनोरंजन के लिए, और ये जब परफॉर्म करते हैं तो सड़कों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग खूब इंजॉय करते हैं। नंबर चार है पियानो जगलिंग। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को जगलिंग करते हुए देखा होगा। ये लोग चीज़ों को इतने अच्छे से बैलेंस करते हैं कि लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। लेकिन डेनियल नाम के इस व्यक्ति के जगलिंग ने सभी जगलिंग करने वालों की छुट्टी कर दी। ये एक अमेजिंग स्ट्रीट आर्टिस्ट है जो अपने टैलेंट से लोगों के दिल बहलाते हैं। इनकी सबसे अमेजिंग परफॉर्मेंस बॉल म्यूजिक है। ये बॉल के साथ जब जगलिंग करते हैं म्यूजिक बजाते हुए, तो सबकी आंखें इन पर टिक जाती हैं, क्योंकि जगलिंग करते हुए इतना प्यारा म्यूजिक बजाते हैं कि जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन्हें सब लोग पियानो जगलर भी कहते हैं। इन्होंने 11 साल की उम्र में ही जगलिंग करना शुरू कर दिया था और ये आज इस काम में माहिर हो चुके हैं। इनकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन जगलरों में होती है। ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस के साथ साथ बड़े बड़े शो में भी परफॉर्म करते हैं। नंबर पाँच है रनिंग सोफा।
दोस्तों ये जो स्टेज परफॉर्मर है ये केवल स्टेज परफॉर्मर ही नहीं, इनके पास बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। इनके रिकॉर्ड में सबसे तेज रफ्तार वाला बैट भी शामिल है। देखा जाए तो ये असल में एक मैकेनिक हैं। ये इतने टैलेंटेड हैं कि ये दुनिया के हर किसी चीज़ में इंजन फिट कर सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे अजीब ये सोफ़ा कार है। जब ये सोफ़ा कार सड़कों पर चलाते हैं तो हर कोई इन्हें देखता ही रह जाता है। इनकी ये सोफ़ा कार 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। इस कार में इन्होंने सब कुछ फिट कर रखा हुआ है। इस कार में हेडलाइट, स्टेयरिंग, ब्रेक, यहाँ तक कि इसमें नंबर प्लेट भी है। इनकी कार बहुत ही कंफर्टेबल और यूनिक है, जिसे देख करके सभी की आंखें इन्हीं की कार पर टिक जाती हैं। नंबर 6 है वाटर ग्लास म्यूजिक। दोस्तों आप लोगों ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक बजते हुए बहुत बार सुना होगा, लेकिन कुछ लोग इतने बड़े म्यूजिशियन होते हैं कि वह किसी भी चीज़ से म्यूजिक बना लेते हैं, जैसा कि पीटर पार्टनर्स नाम के ये व्यक्ति करते हैं। पीटर्स पानी के गिलासों से म्यूजिक बजाते हैं। ये पानी के गिलास में थोड़ा थोड़ा पानी भर के उंगली से कुछ जादू जैसा कुछ करते हैं और उंगली से इस प्रकार टच करते हैं कि म्यूजिक बहुत ही शानदार बजता है। पीटर पिछले 20 सालों से इसी प्रकार म्यूजिक बजा करके लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। नंबर 7 है रिंग परफॉर्मर। ताइवान के रहने वाले इशाक हाओ की इस रिंग परफॉर्मर को देखकर हर कोई भी हैरान रह जाता है। दोस्तों इस स्ट्रीट परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए सड़कों पर भारी भरकम भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दरअसल इशाक स्ट्रीट परफॉर्मर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने सैर हुल के बारे में सुना, जिसे मेटल की बड़ी सी रिंग के साथ में परफॉर्म करना पड़ता है। धीरे धीरे इनका रुझान इसकी तरफ बढ़ गया और काफ़ी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद ये काम को इतनी अच्छे तरीके से करने लगे कि लोग इन्हें देखकर दंग रह जाते। जब ये रिंग के साथ में कर्तव्य दिखाते हैं तो ये कुछ ऐसे कर्तव्य दिखाते हैं कि जिन्हें सीखने के लिए लोगों को सालों लग जाएगा। नंबर 8 है ट्रांसफार्मर कार। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ट्रांसफार्मर मूवी देखी होगी, जिसमें एक कार एक रोबोट के रूप में बदल जाती है। इसी आइडिया को फॉलो करते हुए इस आदमी ने अपने आप को ही खुद ट्रांसफार्मर कार बना लिया। इस व्यक्ति ने स्ट्रीट परफॉर्म को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए इस आइडिया के बारे में सोचा। इसने $800 खर्च करके 2 महीने में ही इस कार को रेडी कर लिया, और जब ये अपने ट्रांसफार्मर कार के साथ में परफॉर्म करते हैं तो आते जाते लोग सभी इन्हें देखकर रुक जाते हैं। इनकी इस क्रिएटिविटी को देख करके हर कोई भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जब ये कार का रूप लेते हैं तो कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाता कि ये कार है या कोई भी व्यक्ति है। तो दोस्तों ये हैं कुछ स्ट्रीट परफॉर्मर्स। दोस्तों ये वीडियो देख करके आप हमें ये कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इसे लाइक बटन दबा करके हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाइएगा। दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।